नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। इस वक्त हाजिर हूं आपके साथ देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मोदी सरकार की लाभकारी योजना सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य को पलीता लगा रहे हैं। मोदी सरकार के वादे फेल हो रहे हैं। जमीनी स्तर पर सरकारी नुमाइंदे सरकार की लाभकारी योजनाओं का माखौल उड़ा रहे हैं। आपको जानकर अजीब सा लगेगा कि हमारे देश को आजाद हुए 70 साल गुजरने के बाद भी आज तक एक गाँव ऐसा है जहाँ पर आज भी विद्युत यानी कि लाइट नहीं पहुंची है। आप ये सुनकर हैरत ज्यादा हो गए होंगे। तो चलिए आपको बताते चले कि अलीगढ़ से 30 किलोमीटर दूर खैर तहसील क्षेत्र के धर्मपुर गांव के लोगों ने जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक गांव में बिजली नहीं देखी है। तब से आज तक कई बार सरकारें आई गई लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। राजनेता अपना उल्लू सीधा करके वोटों की राजनीति तो पूरा कर लेते हैं लेकिन इस गाँव के बारे में मुड़ के आज तक किसी ने नहीं देखा। गाँव में बिजली ना होने के कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं परेशानियों का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें हो रही हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हद तो तब हो गई जब इन गांव के निवासियों के हाथों में हजारों रुपए के बिजली के बिल बिजली विभाग ने थमा दिए। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारी से जब जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि हमने विभाग के उच्चाधिकारियों से बात की है। हमारे उच्चाधिकारियों ने धर्मपुर गांव के लोगों के बिल माफ करने को कहा है। साथ ही जल्दी विद्युत पोल लगवा कर विद्युत आपूर्ति गांव तक पहुंचाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार की लाभकारी योजना सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य इन ग्रामीणों के घर में कब तक उजाला करेगी। कहाँ के रहने वाले हो? धर्मपुर के। क्या समस्या आपके गांव में? मेन समस्या तो बिजली की है। आज तक 70 साल आज़ादी के आज देश होने के बाद बावजूद भी गांव में लाइट नहीं है। अधिकारियों से सबसे संपर्क करा, कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला और लोगों के पास 70-70, 65-65 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। किस गाँव के रहने वाले हैं? धर्मपुर के रहने वाले हैं। आपकी उम्र कितनी हो चुकी? उम्र है कि मेरी 80-82 साल की। ये समस्या लाइट की कब से है? हमारा तो हमारा जब से देश आज़ाद हुआ जब से हमने लाइट देखी नहीं। हमारे बुजुर्गों को तो सब पता है, क्या हमने नहीं देखी है? हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत असमर्थ हैं, क्यों लाइट है नहीं। चिराग या लालटेन से बच्चे पढ़ते हैं, उनकी आँखों में और ख़राबी होती है। सरकारी अधिकारी प्रेशर बना रहे हैं कि बिल जमा करो। गांव में आज तक अभी लाइट नहीं है। छोटे बच्चे हैं, हमने भी आज तक, मेरी 22-30 साल की उम्र हो गई लेकिन गांव में बिजली की कोई उपलब्धि ना है। छोटे छोटे बच्चे, हम भी दिया लैंप जला के पढ़ाई को कार्य पूरा करते हैं। जंगलों में से ट्यूबवेलों पे से लाना पड़ता है। गांव में हेडपम्प भी काम नहीं करते, वो समर्थी वो भी काम नहीं करती गांव की, और दूर से पानी लाना पड़ता है, दूसरे गांव के आसपास से पानी लाना पड़ता है। समस्या बिजली की हमारे गांव में? कब से बिजली नहीं है? हमारे तो 50 वर्ष की उम्र मेरी है, काफ़ी बुजुर्ग पिताजी की, हमारे 90-95 वर्ष खत्म हुए। मंत्र लाइन देखी ना, तार देखे। अब 2011 थे, एक रणवीर जेई ने कहा वो बिल कनेक्शन चालू कर दे। 108 आदि में बिल कनेक्शन आ रहे हैं। गाँव पे 60 का 75 का 70,000 रुपये। लाइट गांव में नहीं है? लाइट गांव में ना। बिजली के बिल आ रहे हैं? बिजली के बिल आ रहे हैं। देखिए, जब मेरी जानकारी में आया कि धर्मपुर में बिजली की कोई खंभे नहीं लगे हैं और कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो मैं उपखंड अधिकारी और अपने जेई के साथ मौके पर गया। और मौके पर जाकर जब मैंने देखा तो वहाँ कोई पोल नहीं लगा था, कोई बिजली की लाइन नहीं खींची थी, ये मैंने मौके पर जाकर देखा था। अब हमने LNT के थ्रू उसमें पोल डलवा दिए हैं और कल हम कोशिश करेंगे इसमें विद्युतीकरण का काम शुरू हो जाए। वो पहले किसी योजना के तहत बिजली कनेक्शन कर दिए गए थे, बिजली के बिल जारी थे। इस संबंध में मैंने अपने अधीक्षण अभियंता महोदय से बात की, उन्होंने बिजली यूज़ ना होने की स्थिति में ये निर्देश दिए हैं कि इन कनेक्शनों को उपखंड अधिकारी को कह दिया जाए कि वो कनेक्शनों के बिल समाप्त कर दें। और ये निर्देश अधीक्षण अभियंता के निर्देशों के अनुपालन में मेरे द्वारा उपखंड अधिकारी को दे दिए गए हैं।
अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।